प्रेम से बोले ही सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है वाणी। परम प्रभु जल्दी ही सतयुग आएगा, सतपुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। तो अब जो है इस श्लोक में गति बनेगी, तो इसलिए इसका अभ्यास यदि आप अपने आधार पर करेंगे तो उस गति के बावजूद भी कुंडलिनी को वर्षों लग जाएगा पहुंचने में। जैसे इस ब्रह्मांड को पार करना हो तो प्रकाश को 15 अरब वर्ष लग जाएगा, जबकि 3 किलोमीटर प्रति सेकंड में चलना है। तो उसी तरह से जो है कुंडलिनी जब चलती है, अभ्यास करते करते सक्षम गुरु रहेगा तो थोड़ा गति तेज करा देगा, कहीं उसमें मिसिंग हो गई तो आप विक्षिप्त न हो जाएं, इसलिए वो बैलेंस भी बनाएगा, कहीं कुंडलिनी को नाराज नहीं होने देगा। कुंडलिनी शक्ति नाराज हो जाएगी तो आप विक्षिप्त हो जाएंगे। इसलिए सक्षम गुरु जो होता है, जब देखे उसका आपका शरीर का मोशन देखता रहेगा एक्शन, कि कुंडलिनी की दिशा सही जा रही है कि नहीं। सही जा रही है तो धड़ाधड़ा ले जाता रहेगा, जब तो बिगड़ने लगेगी तो बैलेंस बना लेगा, थोड़ा नीचे उतार करके ठहर करके फिर आगे चलेगा। इसलिए सक्षम गुरु की जरूरत पड़ती है, जानकार भी हो और नियंत्रण भी रखे। जब आप मूलाधार चक्र में कुंडलिनी पहुंचाएंगे, कुंडलिनी जैसे ही मूलाधार चक्र में पहुंचेगी, आप में इंद्र की क्षमता शक्ति आने लगेगी और आप इंद्र जैसे क्षमता शक्ति से युक्त हो जाएंगे, यानी आप में बहुत बेहद ताकत का महसूस और क्षमता शक्ति महसूस होने लगेगी। कोई आपके पास रक्षा व्यवस्था कुछ लाएगा तो कहीं आपके मुंह से निकल जाया करेगा तो होता रहेगा, इष्ट सिद्धि चारों तरफ जो है गुप्त तरीके से आपका काम करना शुरू कर देंगे। आप उससे फंसने की वही गुंजाइश हो जाएगी, सामान्य जो होगा वो आदमी वही फंस जाता है और वही से फिर कुछ दिन ठहर ठहर करके फिर नीचे गिर जाता है। सक्षम गुरु जब होगा वहां ठहरने नहीं देगा, आदि आपको चमत्कार नहीं करने देगा। दो एक ठो प्रमाण के लिए कर करा करके, ये दो एक ठो प्रमाण के रूप में कर करा लो, तुझे विश्वास हो जाए कि मनोहर पहुंच चुके हो आप में क्षमता शक्ति आ चुकी है, आप फिर चमत्कार बंद करा देगा। आपके विश्वसनीयता के लिए दो एक घटना घटाएगा और फिर विश्वास हो जाएगा तो आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। तो फिर जब वहां से कुंडलिनी जगा करके आगे बढ़ाएगा तो आगे बढ़ाते बढ़ाते अभ्यास के द्वारा बढ़ाते बढ़ाते वो मणिपूरक में आएगा। मणिपूरक चक्र जो आपका नाभि नाभि का स्थिति है, यहाँ का अधिष्ठात्र देवता ब्रह्मा है, ऐसे ऐसे करके अनाथ में ले जाएगा, अनाथ के विष्णु जिस क्षेत्र में कुंडलिनी जाएगी। अब मान लीजिए मणिपूरक चक्र में आपको कुंडलिनी आ गई और वहां वो ठहराव ले ली, आप में ब्रह्मा की क्षमता शक्ति आ जाएगी, अर्थात आप जो है शब्द के माध्यम से संतान उत्पत्ति करना शुरू कर देंगे। कोई आशीर्वाद दिए तो वो जो जिन्स शुक्र का है, जो मूलाधार में शिवलिंग जो है उसको मैथुनी क्रिया से उसको शुक्र रूप में डालती थी, और ब्रह्मा की क्षमता आने का मतलब होगा कि आपके आशीर्वचन मात्र से ही जो है वो वहां क्रिया होने लगेगी, तो आप में ब्रह्मा की क्षमता शक्ति आएगी, अर्थात आपके आश्रवचन से संतान वगैरह की उत्पत्ति सहज हो जाएगी। लेकिन उसको भी सक्षम गुरु होगा तो आपको चमत्कार नहीं करने देगा और उसका स्वार्थ लाभ नहीं करने देगा, एक आध को प्रमाण के लिए कर करा करके फिर आगे बढ़ाएगा, तानात्म में ले जाएगा जिसके अधिष्ठात्र देवता जो है विष्णु है, फिर वो विशुद्ध में ले जाएगा जिसके अधिष्ठात्र देवता शिव है शंकर है, फिर आगे बढ़ाएगा आज्ञा चक्र में ले जाएगा जहाँ के अधिष्ठात्र देवता जो है
आत्मा ईश्वर ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है, और इस तरह से क्रम वहां तक तो गुरु आपको ले जाएगा, उसके आगे आपको अपने जाने के लिए कहेगा, ब्रह्मरंध्र तक जाने के लिए जहां सहस्रार है उसको सदगुरु का क्षेत्र कहा जाता है, गुरु का सदगुरु तो ब्रह्मांडीय नक्शे में सदगुरु कहा जाता है, शारीरिक नक्शे में वो जो है वहां आपका गुरु का स्थान है। तो इसी आत्मा ईश्वर ब्रह्म क्षेत्र जो आज्ञा चक्र वाला है, इसी को अलख निरंजन और नाना तरह के टाइटल दिया जाता है, ना जानकारी बस इसको लोग आगे शून्य गुफा, भ्रमर गुफा, रारंग सोहंग और सब ढपोसला नुमा पाखंड और आडम्बर बस जो है ये फालतू बकवास करते हैं सब। आगे कोई गुरु जो है आज्ञा चक्र से आगे शिष्य को नहीं बढ़ाता है, उसके आगे अभ्यास कराते कराते एक ऐसी स्थिति आती है कि ओंकारी मुद्रा भ्रामरी मुद्रा वो तो मुद्रा में आएगा, वो इसमें भी नहीं है। मुद्राएं इन कुंडलिन जागरण से तेज होती है, उसमें झट से क्रियाएं होने लगती है। अब मुद्राओं में बहुत है, काकी है, चराचरी है, शीतली है, शीतकारी है, अम्बनी, तो अब जो है उन मुद्राओं कारी है, भ्रामरी है, तो कौन मुद्रा आप करते हैं, जिस मुद्रा करेंगे उसका लाभ मिलेगा। तो अब यही चीज यही चक्रों की बात है। अब मुद्राओं का वर्णन करना शुरू करेंगे ना फिर घंटों लग जाएगा, तो अब इसमें कुछ त्रुटि लग रही हो तो उसको आप संकेत करें, ठीक लगा हमको। जहाँ तक स्थान जीव का जैसे हुआ जहाँ तक जाना है बताई थी, फिर क्या है? लेकिन ये अंतिम यात्रा नहीं है, अंतिम यात्रा ये तो बीच चतुर्संग जैसे लटकाव है, इसमें न मुक्ति है न अमरता है, कहीं कुछ नहीं है, इसमें शांति है, आनंद है, चिरानंद है, ब्रह्मानंद है, आत्मानंद है, मुक्ति अमरता इसमें नहीं है। तो सरकार एक बात है कि जो सतगुरु हुआ जकर हंत नहीं है वो आत्मा, यही आत्मा जौन है वो जो हम तो ये कर मालिक है, वो है वही का आत्मा आत्म है परमात्मा, वो आत्मा जो है जहाँ परम प्रकाश जगत हो सका वही थी, वह जो मुख का द्वारा है वहां तक हमारे गुरु ने हमको पहुंचा दिया, और हम सारी चीज वो जो सत्य लोग परम लोग और संत लोग सारा चीज हम लोग दौड़ चुके हैं और सब गए हैं, और फिर लिया के हम तो इसमें रख देना के ना रो फिर यही कर्मा में डाल दे, आनी सुख का मतलब मुख्य भाई एक संत से पूछ रहे कि शांत की मुक्ति मुक्ति कब होती है, मुख्य कब होता है, जीते जीते होला तुम बोले तब पूछ लेना तब तक आगे बताई कुछ सरकार आपके समझे भाई यही खातिर के अभी दुनिया के लगता है कि कसम पहुंच जाते कि युवा जहाँ से आ रहा कहाँ तो चल जाए बोली परम गुरु परमेश्वर की तो गुरु जी अपने के दिल में बारमा भटका ना ही सरकार आप कहीं हमने न कहा बारा बके के गुरु जी हुई है उन्हें क्या जानो जहाँ उनके गुरु द्वारा उनके गुरु द्वारा जगजीव साहब के हैं जगजीव साहब के हैं वही ने अच्छा तो ये जो गुरु जी जरा कॉल लेता वो हमारा कहाँ बड़े सात तारीख वही जमाना की कहीं और बने सरकार अब हम तो पूछवा के अली पता नहीं की संत खुशी पिछड़म तो नहीं कहाँ पिछड़े पड़े तो हम कहाँ बताए हैं आवे के पाना आ गई है अच्छा सात तारीख के आम है जी। तो हमारा तरफ से अपने के निवेदन कॉल ले जाई उनका के लिया और जाई तो उनको समझा दे लेगी क्या है बर्मा वही कौन बर्मा फटका कर धंधा करते कराते का तो सरकार लोग तो ले आया लेकिन वो दक्षिणों जात पर दो तीन से सत्संग कर रहा सत्संग करी है वो तो पहले बातचीत हो जाए पहले सत जान ले ली तो हम लोग सत्संग कर ठीक रही पहले सत जान ली तो हम लोग सत्संग ठीक हुई सर पूरा धरती पर एगो सदगुरु एक बेर होला एक बेर दू चार गो सदगुरु ना होखे पूरा भूमंडल पर एक बार एक ही गो सदगुरु होखे गुरु माने उपदेश सुन ले लिया
गुरु माने उपदेशक आ सदगुरु माने जेकर उपदेश सत्य प्रदान हो सत्य होके आ नौका गुरु जी लोग परिभाषा देता गुरु माने अंधकार आरु माने प्रकाश सुन लिया ना बताओ अब दो तीन मिनट समय दिली तब ना बताई वेद के जब मंथन होके लागल तो वेद की मंथन में एगो वाक्य आयल नृत्य ज्ञानान मुक्ति ज्ञान के बगैर किसी की मुक्ति नहीं हो सकती है ज्ञान के बगैर किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती है वेद वाक्य है वेद मंत्र है कि नहीं ज्ञान के बगैर किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती है और फिर मंथन हुआ कि थोड़ा सा और व्याख्या सहित हो तो तीन सूत्र निकला असदो मास सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृतोर्मा अमृतम गमय जब ये तीन सूत्र निकला तो तीन मार्ग संसार में मुख्य रूप से प्रचलित है कर्मकांड योग मार्ग अध्यात्म और ज्ञान कांड ज्ञान तत्व विभाग तो अब जो है असदो मा सदगमय हम लोग जब कर्म क्षेत्र में है संसार में है तो हम लोगों का अभिष्ट क्या है माध्यम क्या होना चाहिए असत्य नहीं सत्य की ओर चले असदो मा असत्य नहीं सदगमय सत्य की ओर चले तो जानना है असत्य क्या है और सत्य क्या है दोनों को अलग अलग जानना है कि असत्य क्या है और सत्य क्या है और इस जो असत्य है उसको छोड़ना है असत्य को जीवन में व्यवहार में लागू करना कराना है ये हो गया कर्म का अभिष्ट कर्म क्षेत्र में जब तक रहेंगे आप पर ये सूत्र लागू रहेगा हर कदम आपको इस सूत्र को धारण किए रहना पड़ेगा जहां भी असत्य मिले उसे छोड़ना है और सत्य मिले उसे ग्रहण करना है सत्य में ही रहना चलना है ये कर्म क्षेत्र का हो गया अभिष्ट योग और अध्यात्म का अभिष्ट है तमसो मा ज्योतिर्गमय अज्ञान अंधकार नहीं दिव्य ज्योति की ओर चले अंधकार नहीं दिव्य प्रकाश की ओर चले दिव्य ज्योति की ओर चले ये हुआ अध्यात्म योग साधना कि अंधकार भी जनाएंगे और प्रकाश भी दिव्य ज्योत भी जनाए दिखाएंगे अंधकार से निकलने के लिए प्रकाश में रहने के लिए ये अध्यात्म वाली बात है और तीसरा है ज्ञान विभाग वाला यानी यही ज्योति अभी से अध्यात्म वाले की अंतिम गति है इससे आगे इनको कुछ मालूम नहीं है अब वो जो है सो ज्योति है और बस ज्योति सबको ज्योति जान लो ज्योति देख लो आज ज्योति से मुक्ति ज्योति से सब कुछ होगा जबकि ऐसा कुछ है नहीं ये ज्योति वाली बात होगी तीसरा का जो फार्मूला ज्ञान वाला आया कि मृत्युर्मा अमृतम गमय मृत्यु नहीं अमरता की ओर चले तो इसमें क्या है कि मृत्यु को भी जानना है अमरता को भी जानना है मृत्यु क्षेत्र से अपने को निकाल करके अमरता के क्षेत्र में रखना है ये ज्ञान का अभिष्ट है और हमेशा ज्ञानी का यही प्रयास है कि हम माया मृत्यु के क्षेत्र में शरीर को न रखें हमेशा इस शरीर को हम अमरता के क्षेत्र में रखने की कोशिश करें तो ये तीनों अलग अलग हो गया कर्म का अभिष्ट असदो मा सदगमय योग साधना अध्यात्म का अभिष्ट मनी तमसो मा ज्योतिर्गमय और ज्ञान क्षेत्र का अभिष्ट मृत्युर्मा अमृतम गमय अब गुरु जी लोग तीनों का अर्थ तो गुरु जी लोग के समझ में आता नहीं कर्मकांडी गुरु जी लोग अलग हो गए आध्यात्मिक गुरु जी लोग अलग हो गए न कर्म वाले को अध्यात्म समझ में आ रहा है न अध्यात्म वाले को कर्म समझ में आ रहा है अब अध्यात्म वाला गुरु जी का अर्थ लगा लिया शिक्षा जो जिस किसी से जिस किसी प्रकार का शिक्षा मिले वो गुरु है जिस किसी से जिस किसी प्रकार का उपदेश मिले शिक्षा मिले गुरु है
दत्तात्रेय जी भी ऐसे ही 24 गुरु कर गए। अध्यात्म वाला जो है वो कहा कि नहीं, ये सब गुरु की परिभाषा नहीं है। अरे गु माने अंधकार, आरु माने प्रकाश, जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश में कर दे, प्रकाश से जुड़ दे, वो गुरु है। आप वाला में आप वाला आपको ये भी नहीं है, आपको ये भी नहीं मिला है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो अब जो है ये गुरु जी रूप परिभाषा दे, क्योंकि इधर असत्य सत्य भी उनको मालूम नहीं है, उधर मृत्यु अमरता भी उनको मालूम नहीं है। इसलिए अब ज्योति ज्योति यानी परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती, सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तो अपन विज्ञान बिहाना, ज्योत शाम तत् ज्योति वर्ग ज्योति चांदना, अभी सबको आकर के अब वही में लटकाए भटकाए मकड़ी के जाला की तरह से तुम शंकु की तरह से ऊपर पैर नीचे से उत्तान पाद की तरह से उल्टा खड़े हो जाए कर देंगे। इससे आगे इन लोगों के पास कुछ है नहीं, गुरु जी लोगों के पास। सदगुरु उसे कहते हैं जो इन तीनों का सहज रहस्य बतावे। तीनों हमको परिचित दे दी। अच्छा तेरे बात आप लिख के हमें दे छपल होते हम तो हिमा ले जाए सुनल जा हम ये ज्ञान तब तक ना दे जब तक टीसी मार्कशीट अपने का ना दे। जैसे एगो स्कूल से जब दूसरे स्कूल में जाए जाला तो टीसी मार्कशीट लगेला, उसे पता चला कि कौन क्लास ले पढ़ले बनी, आ तब ओकरा क्लास के आगे का एडमिशन ले जाला, नामिनेशन कर जाला। जब अपने के कहो कि हम यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आओ तनी हमारे के जुनेरा स्कूल में एडमिशन ले लिया जा, तो ये कैसे कहो एडमिशन ली जब पीएचडी कही ले मैंने जुनेर हाई स्कूल में एडमिशन कैसे। आ नहीं अब कही कि हम पीएचडी कर ले हमारा फिर एडमिशन ले लिया जा यूनिवर्सिटी में, हमारा के एमए क्लास में तेमे में एडमिशन ना होई, पीएचडी के पीएचडी में एडमिशन ना होई। सासाई तो ही वक्त अपने के कुछ पहले नहीं खी, अपने लोग कुछ है ये नहीं खे, ना जीव के पता बा, ना आत्मा के पता बा, परमात्मा के तो पता है ये नहीं खे। अब रहल चीज ही वो कोनो बकवासी जो है भरमा भटका दिले बा। अच्छा जी वाह आपको पहले लोग कर जाओ। अच्छा देखो बात अपने का बता दे ठीक है, अपने का सब जानता नहीं। अब हम थोड़ा सा हम ही अब अपने सामने आता नहीं, अब हम दो चार शब्द पूछी कुछ बताओ ले। अच्छा जीव देख ले तो कैसन थी आप ऐसे सोझे बोल पा तो बताइए। एकदम सोझ एकदम सोझ बोलो एकदम अपने के देख जा, हम कौन भाषा हमारा खुद भाषा ना आवे, हम एकदम सीधे साधे सोच बोलो। अच्छा जीव देखले बनी अपने का कहाँ रहेला वो जीव के स्थान ले ये गोयल बोलो गोयल लो बोलो ये जीव के स्थान हो लो बोलो गोयल मामला क्यों बताई कहीं कोनो ग्रंथ मिल गया है जीव रहेला। जीव का स्थान ही नहीं है, ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म का स्थान है। जीव का स्थान जो होता है अभी बात की है कुंडली जागरण में तो अपने का नाम समझ जाने लगे लो। जीव का उत्पत्ति स्थान जो है मूलाधार है और कार्य करने वाला क्रियाशील स्थान उसका स्वाधिष्ठान है, क्रियाशील स्थान उसका स्वाधिष्ठान है और उत्पत्ति स्थान उसका मूलाधार है। ये आज्ञा चक्र उसका स्थान नहीं होता है, आज्ञा चक्र में जैसे ही वो प्रवेश करेगा तो जीव जीव रह ही नहीं जाएगा, उतनी देर के लिए वो ब्रह्म शक्ति हो जाएगा। आज्ञा क्षेत्र जो चक्र जो है ब्रह्म क्षेत्र है, ब्रह्म क्षेत्र में जीव प्रवेश नहीं कर सकता, जैसे ही ब्रह्म क्षेत्र में प्रवेश करेगा वो जीव जीव रह ही नहीं जाएगा, फिर जब माया के क्षेत्र में नीचे उतरेगा तो फिर वो जीव हो जाएगा। तो माया के क्षेत्र और ब्रह्म का क्षेत्र अलग अलग है,
आपको समझना चाहिए, जो है ये जो यहाँ कह रहे हैं जीव का, जो यहाँ दिखा रहे हैं, तो यहाँ भी जीव नहीं है। अब सोचिए जो देख रहे हैं ना, ये भौवा देख रहे हैं ना, ये भौवा पकड़े हुए है जो कान के ऊपर ऊपर, ये जो देख रहे हैं ऐसे, ये जो पोर्शन है ये ब्रह्मांड है। ऊपर वाला, ऊपर वाला ना यहाँ से लगाया था, तो यही सुन ले लिया। तो हेपर से अगवा है जो ना ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब ब्रह्म क्षेत्र, ब्रह्मांड के माने ब्रह्म क्षेत्र, ये जीव के क्षेत्र ना। जब है जो भगवान जो हो, एक से नीचे जो है सब हो, ये माया क्षेत्र, माया क्षेत्र है जो पंच ज्ञानेन्द्रिय आँख कान, इस क्षेत्र के नीचे आँख कान सहित जो पंच ज्ञानेन्द्रिया है, ये पूरा पोर्शन जो है माया क्षेत्र का है। इसमें ईश्वर भी जब आएगा घुसेगा तो भी जीव हो जाएगा, और ब्रह्मांड क्षेत्र में जीव भी जब जाएगा तो ईश्वर हो जाएगा। इस माया क्षेत्र में ईश्वर भी आएगा तो जीव रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और ये जीव यदि ब्रह्म क्षेत्र में जाएगा तो ईश्वर रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ईश्वर कहने को गुरु जी फरमाले बने, एक जो ऊपरा हो जो हेम कहले तब तो शास्त्रार हो, खोपड़ी के अंदरवा जो सहस्रार, सहस्र दल कमल कहल जाला, वो सहस्रार जो कहल जाला वो सदाशिव के जगह, वो सदाशिव के जगह कहल जाला। शंकर ना सरकार मुद्रा भी में भी जब साधना कर आवाज के जब गुंजामान कर जाए तो वो भ्रामरी मुद्रा हो ले, जिससे भ्रमर जो होला, भ्रमर जब भौरा जब खूब नाचता है तो गुंजन होता है ना, तो वही तरह से भ्रामरी मुद्रा जब है इसमें, जब बार बार साधना के माध्यम से जब इसमें जाया जाएगा और जब उसमें समाधि में बैठा जाएगा तो वही जो है भ्रामरी मुद्रा में गुंजन होता है। अब तो ही तो जो है अब इसको और ठीक से करना शुरू किया जाएगा, जब बैठ करके नो तो होने लगेगा, नहीं तो ओंकारी ओंकारी गुंजन मुद्रा हो गया, तो इकुल गुंजन में तो होगा ही होगा, शब्द आता ही है, लेकिन ये कुल गुंजन में भरमा बड़का के किनार कर दिला हुआ कुछ जनौले हवन ना। सरकार तो कैसे आप कब जनाई, तो हम जनाए तब तो नू तो जब पहले अपन असलियत वा रखब, तो अपने को कहब पहले ही, हम पहले से डिग्री सर्टिफिकेट ले ले बानी, तो हम पहले से कहब तो नमक दबे लगे कहीं हम मिस्त्री हमारे मुंह में पहले ही चला, हम कहते मिस्त्री ना नू नमक आप ना नू मिस्त्री हमारे मुंह में बा, तो अपन मिस्त्री खिया के देखी ना तो कूला खोर तुम तो मिस्त्री के स्वाद मिली, नमके सहित मिस्त्री के स्वाद थोड़े मिली। बलवान तो जब देखल जाए एक चीज और, केहू बलवान ना होला, केहू कमजोर ना होला, केहू बलवान नहीं खे, केहू कमजोर नहीं खे, जेकर जैसन क्षेत्र बाटे वही को उसने बल बाटे। ईश्वर जिसे बलवान इतना बढ़न ईश्वर, आ वो यदि माया क्षेत्र में है तो बलहीन हो जाइए, आ जीव जो बलहीन हो वो ईश्वर क्षेत्र में जाए तो बलवान हो जाए। अब सवाल उठत रहते कि शरीर के हम कौन क्षेत्र में रखता नहीं, तो जैसन क्षेत्र में शरीर रखल जाए आ वो क्षेत्र के जो मालिक हुई वह बल अपनी में आवे लगी, वह बानर हनुमान सुग्रीव के साथ है सचिव के रूप में रहले, तो भाग के चोर की तरह से कांगड़ा में छिपे के पड़ रहे, वे हनुमान दास बन के राम जी के साथ जुड़ गए तो लंका फूक दिए, आका का ना कह दिया बदरंग बली संकट मोचन हनुमान जी कहा गए, तो कहले के मतलब ये हो कि एमे बलवान कमजोर के बात ना हो, देहिया जो क्षेत्र में रखल जाए ओकर व्यवहारवा वही क्षेत्र के वही अभिष्ट के अनुसार रही चली, का बुझाई। इसलिए हमारा कहे के हो
कि वो गुरु जी तो कुछ देले लेले नहीं खून भरमा भटका के किनार खो देले बने आ कौन के हमारा के मिले ले बा तो जो मिले ले बा तो हम ना दे अरे जो खाली नहीं तुम हम दे खाली ना हो हाँ तो कॉल जाता कि भरल हो तो भरल है बर्तन में ना कुछ दिया ही हाँ तो ये बात कॉल या कुछ नहीं खून देले तो ये जरूर मिली खाली बर्तन में तो मिले में करी तब ये कोई झूठ के हुआ कुछ न कहो पहले अच्छा ना कुछ को ना की कहो कुछ ना कहे को कुछ न कुछ तो कुछ आई है अरे कुछ न कुछ जनोले बोतल बने तब ना भर बोले बने जी हाँ अब कुछ जनोले बोतल ना आते तब ना भर बोलते भर के देखे से तो कुछ तो देला ही बने लेकिन जो देला बने तो कुछ हो ना हेच जी या में ये सच्चाई है में जी ईश्वर परमेश्वर के जो ज्ञान हो एमे से कुछ हो ना हमारा कहे के मतलब ही हो तो जब मूल उद्देश्य में से कुछ है ये ना हो तो और मिले के का हो सरकार आपन चाहते कि आपको बड़ा धुआ हो खेत खेत वाला तो एगो हो तो जो ऐसे को कहने के सामने बुला ले हो जा पता चल गई अरे तो वो हर भगे है वो आपको छाने हां तो भगे तो तुम घेर लिया ये गाड़ी बैठे ले लिया जा एक एक घंटा खातिर बुला ले जा उतने में तो कुल हो ही जाए वो जो बारा बंकी कहूँ तो खाली नमुए पूछ सुन लिए तो वो गाड़ी ने वो घेरा ना डाल ले वो सीधा किनार हो जी है बोरो बंकी के हो के आए के ना जाना तो के बारा बंकी ले जाइए वो बारा बंकी के बारा बंकी तो उनको कुछ जवान हाथ का वो कहाँ रह ले वो कहाँ रह ले उसका बतौरी जमनपुर में एक गांव का हायन गोमा कनवा हायन अच्छा आई जो के शहर हो छोरे बन के हरिया का हाई कोर्ट के था ये हरा अच्छा बारा बंद में मूर की गुरु जी के कह रहा हूं मालूम बा परम प्रभु की है वाणी चला नीला दिखाई दिया कोई तेज फिर मतलब वहाँ दिखाई करा शंकर जी का मूर्त मतलब साथ साथ फोटो और की बात काला ठीक हो मैंने पहले शंकर भगवान को देखा फिर पार्वती को प्रणाम के आशीर्वाद दिए जी तो बताते चलिए फिर गणपत जी को देखा फिर राम जी को देखा विष्णु जी को देखा लक्ष्मी जी को ठीक है तो प्रणाम का सब आशीर्वाद दिए आपको चलिए शंकर जी ने दर्शन दिया बोलिए मत भाई बोलिए मत हाँ और गणपत बप्पा ने दिया नारद जी नारद जी ने दिया का दिया आशीर्वाद प्रणाम के सब अच्छा और किसको किस देखा और शंकर भगवान को देखा हाँ चलिए बोले मैं भी पहले शंकर जी को देखा फिर पार्वती माता को फिर गणेश भगवान को फिर विष्णु भगवान को प्रणाम के आशीर्वाद दिए हाँ प्रणाम के आशीर्वाद भी मिला और राम भगवान को कृष्ण भगवान को ये जगह राम प्रणाम के राम जी भी प्रणाम को आशीर्वाद दिया और किसी प्रणाम के आशीर्वाद दिए बोलिए मैंने शंकर जी को देखा आशीर्वाद दिया था पार्वती माता को देखा वो भी आशीर्वाद दे रही थी गणपत जी को देखा वो भी आशीर्वाद दे रहे थे विष्णु जी को देखा वो भी आशीर्वाद दे रहे थे प्रणाम के तब आशीर्वाद दिए ना जी फिर कृष्ण भगवान को देखा फिर उसके बाद लक्ष्मी माता को देखा उसके बाद नारद जी को देखा शंकर भगवान को देखा उन्होंने भी आशीर्वाद दिया और पार्वती को देखा उन्होंने आशीर्वाद दिया शंकर भगवान को देखा परम प्रभु की है ये बाणी जल्दी ही सतयुग आएगा।